हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज आप सबका फिर से मैथमेटिक्स सब में। मैं राहुल शर्मा आज आप सबके बीच एक ज्योमेट्री का नया सेशन लेकर आया हूँ। अब तक मैंने ज्योमेट्री का पार्ट वन, पार्ट टू और पार्ट थ्री अपलोड कर दिया है। पार्ट वन और पार्ट टू में मैंने सिर्फ कंसेप्ट आपको समझाया है, लेकिन जो पार्ट थर्ड है उसमें हम एग्जाम्पल कुछ देखे हुए हैं। तो आज के इस नए सेशन में हम उससे आगे का जो भी एग्जाम्पल है वो देखेंगे, जो अब तक आपके बैंक, रेलवे, SSC, NDA एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन। हुआ है कि दी गई आकृति में AB समानांतर CD है तथा एक तिर्यक रेखा EF इन्हें काटती है। यदि एंगल EGB इक्वल टू 80 डिग्री और एंगल BG के बराबर 30 डिग्री तथा एंगल GHK इक्वल टू 35 डिग्री हो तो एंगल KSD का मान होगा। तो सबसे पहले हम इसका आकृति बनाते हैं। जो आकृति इसका दिया हुआ है, आकृति दिया हुआ है, ये इसका आकृति है जिसमें जो रेखा AB है वो समानांतर है रेखा CD के, और इसकी एक तिर्यक रेखा है जिसका नाम दिया हुआ है E और इसका नाम दिया है F, और ये बिंदु G है और ये बिंदु H है। ये जो छोटू एंगल है इसका माप दिया है 80 डिग्री। फिर इसके अंतः कोण का समद्विभाजक और इसके अंतः कोण का समद्विभाजक बिंदु K पर मिलते हैं। इस छोटू एंगल का माप है 30 डिग्री, इस एंगल का माप है 35 डिग्री, और हमें वैल्यू निकालना है KSD, यानी KSD अर्थात इसका वैल्यू निकालना है। तो इसका माप हम मान लिए 1 डिग्री। तो समझेंगे कंसेप्ट इसका ये होता है कि जब एक समानांतर रेखा को जब एक अन्य रेखा काटती है तो जो संगत कोण होते हैं वो समान होते हैं। तो संगत कोण का अर्थ ये हुआ कि ये जो कंप्लीट एंगल होगा वो इस कंप्लीट एंगल के बराबर होगा, अर्थात हम ये बोल सकते हैं कि 35 डिग्री अजोर में 1 डिग्री बराबर होगा 80 डिग्री के। 35 इधर जोर में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी x इक्वल टू हो जाएगा 80 माइनस में 35 इक्वल टू, आंसर निकल के आ गया कितना डिग्री, 45 डिग्री बस। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो सरल रेखाएं AB तथा CD परस्पर बिंदुओं पर काटती है। यदि एंगल AOD इक्वल टू 3x-10 और एंगल BOC इक्वल टू 2x+30 हो तो एंगल AOC का माप होगा। तो सबसे पहले इसका जो आकृति दिया हुआ है हम वो बनाएंगे। तो आकृति है एक आपकी रेखा है AB और एक दिया हुआ है CD जो एक दूसरे को बिंदुओं पर काटती है। अब इसका जो माप है सो दिया हुआ है 3x-10 डिग्री का, और जो इस छोटू एंगल का माप है वो दिया हुआ है 2x+30 डिग्री का। तो हमें एंगल AOC यानी AOC अर्थात इस एंगल का माप हमें निकालना है। तो समझेंगे जब दो सीधी रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो उनके विपरीत में जो बना हुआ कोण होता है उसका मान आपस में बराबर होता है, अर्थात जितना इस छोटू एंगल का माप होगा उतना ही इस एंगल का माप होगा। अर्थात हम लिख सकते हैं ये कि 3x-10 बराबर होगा किसके, 2x+30 के। ये माइनस में इधर आएगा तो जोर में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 और 10 40 इक्वल टू, यह जोर में इधर आएगा तो घट जाएगा। तो 3x में से यदि हम 2x को घटा देंगे तो सिर्फ x बचेगा, यानी x का माप आ गया कितना डिग्री, 40 डिग्री। अब यदि x का मान हम इसमें रख दे तो यह 2x और x का मान 40 है, तो ये हो जाएगा 2×40 हो जाएगा 80, और 80 में 30 ऐड किया जाएगा तो इस एंगल का माप क्या आ गया, 110 डिग्री आ गया। लेकिन हमें वैल्यू निकालना है इस एंगल का, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस
पीछे वाले लाइन को हम भूल गए। तो जब हम इस पीछे वाले लाइन को भूल गए तो यह एक सीधी रेखा है, और एक सीधी रेखा के ऊपर में जो कंप्लीट एंगल बनता है वह 180 डिग्री का होता है, और 180 डिग्री में से अगर इस हिस्से का माप 110 डिग्री है तो जो इस हिस्से का माप होगा वो 180 में से 110 को घटाने के बाद जो आएगा वही होगा, अर्थात 180 में से 110 घटाएंगे तो इस एंगल का माप क्या आएगा 70 डिग्री, और आपका आंसर क्या होगा 70 डिग्री। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि दी गई आकृति में ए बी समानांतर सी डी है, यदि एंगल सी ए बी इक्वल टू 80 डिग्री और एंगल सी ई एफ इक्वल टू 30 डिग्री तथा एंगल सी एफ ई इक्वल टू x डिग्री हो तो x इक्वल टू 1, यानी कि हमें x का मान निकालना है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले इसका आकृति एक दिया हुआ है, दो रेखाएं हैं, यह a है और ये b है, और इसके एक समानांतर में एक रेखा है इसका नाम d है और ये आपका c है, ये रेखा और ये एक दूसरे से E बिंदु पर मिलते हैं और इसका नाम F दिया हुआ है, इस एंगल का माप 80 है, इस छोटू एंगल का माप 30 है, और ये जो F है इसका माप X है, तो हमें X का वैल्यू निकालना है। तो समझेंगे, देखिए दिया है कि ये जो रेखा AB है वो समानांतर है रेखा सी डी के, तो जब ये दोनों रेखा एक दूसरे के समानांतर है अर्थात ये जो रेखा हुआ सो क्या हुआ, यह एक छेदक रेखा है, और छेदक रेखा होने का मतलब ये हुआ कि जो एक ही ओर के इनके जो अंतः कोण होंगे इनका जो योग होगा सो 180 डिग्री होगा, अर्थात 180 में से जब यह 80 डिग्री का है इसका मतलब ये है कि ये जो एंगल होगा सो क्या होगा 100 डिग्री का होगा। अब देखिए, अब ये एक रेखा है, यानी एक रेखा आपका DF हो गया और एक रेखा AE हो गया जो एक दूसरे को बिंदु C पर मिलती है, तो यहाँ पे होगा क्या कि एक दूसरे के विपरीत में जो बना हुआ कोण होगा वो आपस में बराबर होगा, अर्थात अगर इस कोण का माप 100 डिग्री है तो इस कोण का भी माप क्या होगा 100 डिग्री होगा। अब देखिए, यह एक भुजा और ये दूसरा भुजा और यह तीसरा भुजा, तो जब तीन भुजा इसमें बन गया तो यह एक त्रिभुज है, और इस त्रिभुज के जो तीन कोण होते हैं इनका जो सम होगा योग होगा 180 डिग्री के बराबर होगा, यानी हम लिख सकते हैं 100 डिग्री अजोर में 30 डिग्री अजोर में x डिग्री इक्वल टू होगा किसके 180 के, तो 100 और 30 होगा 130, 130 जोर में इधर आएगा तो माइनस में, यानी x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 130 बराबर, इसको माइनस करेंगे आंसर कितना आ गया 50 डिग्री इसका। नेक्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है कि दिए गए चित्र में ए बी समानांतर सी डी है, यदि कोण ए बी ओ इक्वल टू 100 डिग्री तथा कोण ओ सी डी इक्वल टू 115 डिग्री है तो कोण बी ओ सी का माप होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आइए हम इसका सबसे पहले आकृति बनाते हैं जो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये ए है और ये बी है, ए ओ बिंदु है और इसको थोड़ा आगे बढ़ाया ये बिंदु सी है, और इसको आगे बढ़ाने पे ये बिंदु डी है, जो इस एंगल का माप है वो दिया हुआ है 100 डिग्री और जो इस एंगल का माप है वो दिया हुआ है 115 डिग्री, और मुझे माप निकालने हैं एंगल बी ओ सी, यानी बी ओ सी अर्थात इस छोटू एंगल का माप निकालना है तो x मान लिया। अब देखिए, हम यहाँ पे क्या किए कि इस रेखा को थोड़ा सा आगे बढ़ा करके इससे मिला दिए, तो इससे मिला दिए तो ये जो एक सीधी रेखा है इस पे जो कंप्लीट एंगल बनेगा वह 180 यानी 180 डिग्री के बराबर होगा, और 180 में से जब इधर वाला हिस्सा 100 है तो ये होगा कितना 80 डिग्री होगा,
जो इस रेखा पे जो भी कंप्लीट एंगल बनेगा सो 180 होगा, और 180 में से जब ये 115 डिग्री के बराबर है यानी जो इस एंगल का माप होगा सो क्या होगा 65 होगा। अब देखिए रेखा एक, रेखा दो और रेखा तीन, तो जब तीन रेखा से घिर गया उसे हम लोग त्रिभुज बोलते हैं, और त्रिभुज के जो तीनों कोण होते हैं उनका योग हमेशा 180 डिग्री होता है, अर्थात 80 डिग्री अजोर 65 डिग्री अजोर x डिग्री इक्वल टू होगा कितना 180 डिग्री। ये 80 और 65 हो जाएंगे 145 डिग्री अजोर x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। यह इधर जोर में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी x इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 145 इक्वल टू निकल करके आएगा कितना 35 डिग्री, और एंगल बी ओ सी का जो माप निकल के आया सो क्या है 35 डिग्री आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र में ए बी समानांतर सी डी है और कोण ए बी ओ इक्वल टू 30 डिग्री और कोण सी डी ओ इक्वल टू 40 डिग्री हो तो बहुत कोण एंगल बी ओ डी इक्वल टू हुआ। तो समझेंगे इसका आकृति दिया हुआ है, ये जो रेखा है ए है और ये बी है, फिर यहां जो इनका मिलन बिंदु है वो ओ है, और इसका माप नाम सी और ये बिंदु डी है। इस एंगल का माप दिया हुआ है 30 डिग्री और इस एंगल का माप दिया हुआ है 40 डिग्री, और मुझे इस कंप्लीट एंगल का माप निकालना है। तो समझेंगे एक बात, यहाँ पर जो रेखा ए बी है वो समानांतर है रेखा सी डी के, मैंने यहाँ पे क्या किया कि यहाँ से एक छोटा सा रेखा मैंने खींच दिया और इसका नाम रख दिया मैंने ओ एफ। तो देखिए यहाँ पर हुआ क्या कि यहाँ पर ए बी समानांतर ओ एफ हो गया, और ओ एफ जो समानांतर है वो हो गया किसके डी सी के। तो जब ए बी और ओ एफ एक दूसरे के समानांतर हो गए तो यह जो रेखा हुआ इनके लिए एक तिर्यक रेखा है, और जब यह एक तिर्यक रेखा है तो इनके जो एक ही ओर के अंतः कोण होंगे इनका जो योग होगा सो 180 डिग्री होगा। मतलब कि इस कोण का और इस कोण का जो सम होगा 180 होगा। तो अगर 180 में से यह 30 डिग्री है तो जो इस एंगल का माप होगा सो क्या होगा 150 डिग्री होगा। अब समझेंगे, अब जो रेखा ओ एफ है वो समानांतर है रेखा डी सी के, तो ये जो रेखा हुई वो ओ एफ और डी सी के लिए यहाँ पे क्या हो गई एक छेदक रेखा है। तो जब एक छेदक रेखा है तो इनके जो एक ही ओर के ये अंतः कोण है इन दोनों का योग होगा कितना 180, और 180 में से यदि ये मान जो है 40 डिग्री का है तो ये जो माप होगा वो 180 में से 40 घटाने के बाद आएगा कितना 140, यानी इस एंगल का जो माप निकला सो क्या निकला 140 निकला। तो हमें निकालना है बी ओ सी यानी इस कंप्लीट एंगल का माप निकालना है, तो इसके ऊपर वाला जो हिस्सा है सो 150 डिग्री है और इसके नीचे वाला जो हिस्सा है सो क्या है 140 है, ऐड किया जाएगा तो आंसर क्या आएगा 290, यानी आंसर आ गया कितना 290 डिग्री। या हम इसे जल्दी भी निकाल सकते हैं, जल्दी निकालने के लिए ध्यान देंगे, इस एंगल का हमें माप निकालना है तो इस एंगल का माप निकालने के लिए यदि हम 360 डिग्री में से इस कोण और इस कोण के योगफल को हम घटा देंगे तो इस कोण का माप निकल जाएगा। तो 360 माइनस इन दोनों जो कोण है इनका योग हो जाएगा 70, तो 360 माइनस में 70 बराबर आंसर निकल करके क्या आ गया 290 डिग्री आ गया। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि दिए गए चित्र में ए बी समानांतर सी डी है, यदि कोण ओ ए बी इक्वल टू 50 डिग्री
और कोण ओ सी डी इक्वल टू 100 डिग्री हो तो कोण ए ओ सी का माप होगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इसका आकृति देखते हैं। तो इसका आकृति है, यह ओ है, यह ए है, ये बी है, ये बिंदु सी है और ये डी है। इस एंगल का माप दिया है 50 डिग्री, इस एंगल का माप दिया है 100 डिग्री और हमें निकालना है ए ओ सी। ए ओ सी यानी इस एंगल का माप हमें निकालना है। तो समझेंगे, यहाँ पर ए बी समानांतर सी डी तो है ही, लेकिन हम यहाँ पे क्या किए, यहाँ इसके शीर्ष को छूते हुए गुजरने वाली एक रेखा खींच दिए और इस रेखा का नाम हमने दिया ई और एफ। तो देखिए, ए बी समानांतर सी डी तो था ही, लेकिन अब ए बी के समानांतर एक रेखा ई एफ भी हो गया। तो जब ये ए बी के समानांतर रेखा ई एफ है तो ये जो रेखा है इनका छेदक रेखा है। तो जब जब यह एक छेदक रेखा है तो यहाँ पे होगा क्या कि जो अंतः एकांतर कोण होंगे वो इक्वल होंगे, अर्थात जितना इस कोण का माप होगा उतना ही इस कोण का माप होगा। तो यदि ये 50 डिग्री का है तो ये भी क्या होगा, 50 का ही होगा। अब देखिए, ये जो रेखा सी डी है वो समानांतर है ई एफ के, यानी ई एफ और सी डी दोनों के दोनों रेखाएं एक दूसरे के समानांतर है, अर्थात जो यहाँ पर रेखा ओ सी है वो इनका क्या है, एक छेदक रेखा है। तो जब ओ सी एक छेदक रेखा है तो जो एक ही ओर के अंतः कोण होते हैं उनका योगफल क्या होगा, 180 होगा। और 180 में से अगर यह जो एंगल है ये 100 डिग्री का है तो ये जो एंगल होगा सो क्या होगा, 80 डिग्री के बराबर होगा। अब समझेंगे, यह एक सीधी रेखा है और सीधी रेखा पर जो कंप्लीट एंगल बनता है वह 180 डिग्री के बराबर होता है। तो ये जो एंगल है हम इसको एक्स मान लिए, तो जो इन सब का सम होगा, इन सब का जो योग होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। यानी हम लिख सकते हैं 50 डिग्री जो एक्स डिग्री और जो 80 डिग्री इक्वल टू कितना, 180। तो x इक्वल टू निकल के आएगा 80 या जोर 50 बराबर 130 और 130 इधर जोर में इधर जाएगा तो क्या आएगा, माइनस में, यानी 180 निकल कर क्या आ गया, 50 डिग्री के बराबर आ गया। अगला आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि दी गई आकृति में ए बी समानांतर सी डी है तथा एक्स वाई जेड एक त्रिभुज है। यदि कोण ए एक्स वाई इक्वल टू 70 डिग्री और कोण एक्स जेड डी इक्वल टू 120 डिग्री हो तो कोण वाई एक्स जेड इक्वल टू हुआ। तो बहुत ही सिंपल है, आइए हम इसका सबसे पहले आकृति बनाते हैं। तो आकृति में एक त्रिभुज है जिसका नाम दिया हुआ है, ये एक्स है, ये वाई है और ये आपका जेड है। इसके शीर्ष से गुजरने वाली एक रेखा है जिसका नाम ए बी है और वाई को सी बिंदु तक बढ़ाया और जेड को डी बिंदु तक बढ़ाया। तो जो यहाँ पे ए बी हो गया वो यहाँ पे क्या हो गया, सी डी के समानांतर एक रेखा हो गया। अब इस एंगल का माप दिया हुआ है 70 डिग्री और इस एंगल का माप दिया हुआ है 120 डिग्री। तो हमें निकालना है वाई एक्स जेड, यानी वाई एक्स जेड, यानी इस एंगल का माप निकालना है। तो हम इसका माप मान लिए 8 डिग्री। अब एक कॉन्सेप्ट समझेंगे कि जब रेखा ए बी जो है सी डी के समानांतर है और एक्स जेड जो रेखा है वो इस समानांतर रेखा का छेदक रेखा है। तो आप एक बात तो मैंने अभी आपको बताया कि जो एक ही ओर के अंतः कोण होंगे उनका योग 180 होगा। तो यदि 180 में से यह कोण 120 है तो जो यह कोण होगा इसका माप क्या होगा, 60 होगा।
अब समझेंगे, यह एक सीधी रेखा है और सीधी रेखा के ऊपर में जो कंप्लीट एंगल बनता है वो हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है, अर्थात हम लिख सकते हैं कि 70 डिग्री अजोर 8 डिग्री अजोर 60 डिग्री इक्वल टू होगा कितना, 180 डिग्री। तो 70 और 60 हो गया 130, 130 जोर में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, यानी a इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 130 बराबर आंसर कितना डिग्री आ गया, 50 डिग्री। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि दी गई आकृति में एक्स का मान निकालें यदि एल समानांतर एम होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि दी गई आकृति में एक्स का मान निकालिए यदि जो रेखा एल है वो समानांतर है किसके, रेखा एम के। तो आइए सबसे पहले इसका आकृति जो दिया हुआ है हम वो बनाते हैं। तो इसका नाम एल है और इस रेखा का नाम एम है और ये जो है इसका नाम दिया हुआ है टी। जो इस कोण का माप है वो दिया हुआ है 3x जोड़ 5 और इस कोण का जो माप है सो दिया हुआ है 4x। अब हमें एक्स का मान निकालना है। तो आप एक बात मैंने अभी आपको बताया कि जब दो समानांतर रेखाओं को जब एक अन्य रेखा काटती है तो इसे हम लोग बोलते हैं छेदक रेखा। तो इसमें होता क्या है कि जो एक ही ओर के अंतः कोण, अंतः यानी घर भीतर यानी अंदर वाला जो कोण होगा उनका जो सम होगा योग होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा, अर्थात हम ये लिख सकते हैं कि 3x अजोर 5 अजोर इसका माप है 4x इक्वल टू होगा कितना, 180 डिग्री। ये हो जाएगा 3 और 4 7x, अब 5 इधर जोर में इधर आएगा तो माइनस में, तो यदि हम 180 में से 5 घटा देंगे तो जो इसका वैल्यू आएगा सो क्या आएगा, 175 डिग्री होगा। तो हल करेंगे x बराबर क्या आ गया, 25 डिग्री और x का मान क्या हो गया, 25 हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है कि दी गई आकृति में ए बी समानांतर सी डी है तथा पी क्यू एवं आर क्यू दो तिर्यक रेखाएं हैं, यदि कोण पी ई एफ इक्वल टू 85 डिग्री एवं कोण सी एच क्यू बराबर 115 डिग्री है तो, और कोण पी क्यू आर इक्वल टू एक्स डिग्री है तो एक्स का मान निकाले। बहुत ही सिंपल है, सबसे पहले हम इसका आकृति बनाते हैं। तो आकृति इसका दिया हुआ है, ये जो है ये P है ये Q है और ये Q R है, ये दिया हुआ है A और ये आपका B है और यहां एक और है ये C है और ये D है। इस एंगल का माप 85 डिग्री है, इस एंगल का माप दिया हुआ है ये H है ये G है ये E है और ये F है, इस एंगल का माप है 115 डिग्री। तो एक बात समझेंगे, यह एक सीधी रेखा है और सीधी रेखा पे जो कंप्लीट एंगल बनेगा वो 180 होगा और 180 में से यदि ये कोण 85 डिग्री का है इसका मतलब कि ये जो कोण होगा सो क्या होगा, 95 डिग्री का होगा। ये भी एक सीधी रेखा है और इस पे जो कंप्लीट एंगल बनेगा सो 180 का होगा और 180 में से अगर ये कोण 115 डिग्री का है तो ये जो कोण होगा सो क्या होगा, 65 डिग्री का होगा। अब समझेंगे, हमें एक्स का मान निकालना है और एक्स यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए यह क्या है कि ए बी और सी डी दोनों के दोनों रेखाएं एक दूसरे के समानांतर है और जो रेखा की पी है यह एक तिर्यक रेखा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इनका संगत कोण होगा वो बराबर होगा। तो संगत कोण बराबर होगा इसका मतलब कि जितना इस कोण का माप होगा
उतना ही इस कोण का माप होगा। तो अगर ये 95 का है तो ये भी कितने डिग्री का होगा, 95 का होगा। अब समझेंगे, एक रेखा और एक दो रेखा और एक तीन रेखा, तो जब तीन रेखाओं से घिरा हुआ आकृति होगा उससे हम लोग त्रिभुज कहते हैं, और इसके जो तीनों कोण होंगे उनका योग 180 होगा, अर्थात कि ये होगा 95 डिग्री अजोर 65 डिग्री अजोर x डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो x इक्वल टू आपका आ जाएगा 180 डिग्री या माइनस, ये दोनों जोर में इधर जाएंगे माइनस में, तो 95 और 65 हो जाएंगे 160। तो 180 माइनस में 160 बराबर x बराबर निकल करके आ गया 20 डिग्री, और आपके आंसर कितने हो गए 20 डिग्री। क्वेश्चन है कि दी गई आकृति में x इस मान के लिए यदि l समानांतर m होगा, x का मान इसमें भी निकलना है। देखिए यह रेखा l है और ये रेखा m है, और एक तिर्यक रेखा दिया हुआ है t, इस कोण का माप दिया है 3x-15 और इस कोण का माप दिया हुआ है 2x-15 डिग्री। तो देखिए आप एक बात जानते हैं कि जब ये दोनों समानांतर है और यह क्या है एक छेदक रेखा है, तो जो इनके संगत कोण होंगे आपस में बराबर होंगे, अर्थात इस कोण का माप और इस कोण का माप आपस में क्या होगा बराबर होगा, यानी कि 3x-15 बराबर होगा किसके 2x-15 के। ये माइनस में इधर आएगा जुट जाएगा तो ये हो जाएगा 30 डिग्री, और ये जोर में इधर आएगा माइनस में तो 3x में से 2x घटाएंगे तो क्या x, और आंसर क्या आ गया x बराबर 30 डिग्री। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि दिए गए चित्र में ए बी समानांतर सी डी है और कोण ओ ए बी इक्वल टू 120 डिग्री और कोण ओ सी डी इक्वल टू 130 डिग्री है, तो कोण ए ओ सी इक्वल टू हुआ। सिंपल क्वेश्चन, आकृति इसका दिया है, इस कोण का इस रेखा का नाम है ए और ये बी है, इनका मिलन बिंदु ओ है, और जो इसका माप है इसका नाम दिया हुआ है सी और ये है डी। इस एंगल का माप 120 डिग्री और इस एंगल का माप 130 डिग्री, और हमें इस एंगल का माप निकालना है। तो मैंने अभी आपको एक बात बताया कि जब भी इस एंगल का माप निकालना होगा तो हम 360 डिग्री में से इन दोनों के सम को घटा देंगे, तो ये 120 है और ये 130 है, दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 250 यानी 250। तो 360 में से 250 घटेगा तो आंसर क्या आ गया 110 डिग्री आ गया।